हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, मैं आपके सामने लेके आया हूं आज एनपीओ का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में मैंने आपको एनपीओ की थ्योरी, उसका बेस के बारे में डिस्कस किया था। एनपीओ का बेस क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, ये मैंने पहले पार्ट में आपके सामने लेके आया था। आज हम डिस्कस करेंगे सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट की, कि हमें सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे करना है। जैसा कि आपके सामने है कि हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेंस और इनकम विच रिलेटेड टू करंट ईयर। यदि हमारी जो कैलकुलेशन एक्सपेंसेस की है या हमारी जो इनकम है जिनका रिलेशन करंट ईयर से है, इसके अकॉर्डिंग हमें सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये हम आपसे आज बात करेंगे। एक्सपेंसिस इनकम एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर हमें दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सपेंसेस और इनकम एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यदि हमें दिया गया है, तो हम इसकी कैलकुलेशन, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यह ट्रीटमेंट समझने से पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि हमारा प्रीवियस ईयर क्या होता है, करंट ईयर क्या है और नेक्स्ट ईयर क्या होगा। माना कि इस समय आप देख रहे हैं 2020 चल रहा है, ये 2020, तो जो प्रेजेंट टाइम में हमारा क्या हो गया, करंट ईयर। 2020 से पहले आया था 2019, वो कौन सा था, हमारा प्रीवियस ईयर। और 2021 में जो आएगा वो कौन सा होगा, हमारा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगर नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल आता है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल आता है, तो वो कौन सा होगा, प्रीपेड। और यदि 2019 का सब्सक्रिप्शन आता है तो वो कौन सा होगा, हमारा आउटस्टैंडिंग। ओके, तो ये पॉइंट है हमारे। पहला पॉइंट है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग था हमारा सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर में है, इस साल का वो कौन सा आएगा, पॉइंट प्लस में आएगा, ये पहला ट्रीटमेंट। दूसरा पॉइंट भी प्लस में है, प्रिपेयर इन प्रीवियस ईयर, प्रिपेयर इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, यानी कि इस साल के लिए आया है, इस साल के लिए आया है, रिपीट कर रहे हैं, प्रिपेयर इन प्रीवियस ईयर, प्रिपेयर कर दिया गया है, यानी कि एडवांस दे दिया गया है फॉर करंट ईयर, यानी कि इस साल में। तो ये कौन सा पॉइंट में आएगा, आपका प्लस में। तीसरा पॉइंट है आपके सामने माइनस में आएगा, कौन सा पॉइंट आएगा, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन आना था, देना था, वो हो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर रिसीव, यानी कि आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर रिसीव, पे रिसीव किया हो या हमने पे किया हो, तो कौन से पॉइंट में आएगा बेटा, ये वाला पॉइंट था इन करंट ईयर, यानी कि पिछले साल का था, पिछले साल का था, पिछले साल का था मतलब 2019। और नेक्स्ट ईयर के लिए बात करेंगे तो कौन सा होगा हमारा, वो होगा हमारा प्रीपेड। तो माइनस में पॉइंट आएगा आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, चाहे हमने रिसीव किया हो या हमने पे किया हो इन करंट ईयर, करंट ईयर में यानी कि हमें रिसीव हो रहा है या हम उसे पे कर रहे हैं, यानी वो पिछले साल का था, तो कहां पे आएगा हमारा ये माइनस। नंबर फोर पॉइंट आपके सामने है, ये भी माइनस में आ रहा है कि एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, एडवांस मिला है हमें फॉर नेक्स्ट ईयर, 2021 का सब्सक्रिप्शन कुछ मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने हमें एडवांस में दे दिया, 2020 में दे दिया, 2021 का अपना योगदान, तो किसके लिए आया, इसको क्या बोला जाएगा, अगले साल के लिए। ठीक है, फिर इसमें आएगा आपका ये माइनस में। तो ये आपके फोर पॉइंट ध्यान रखने हैं सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट में, कौन सा प्लस में आएगा, कौन सा पॉइंट माइनस में आएगा, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर और करंट ईयर का कंफर्म होना जरूरी है। यस बच्चों, सब्सक्रिप्शन के जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं, जैसे केस टाइप के क्वेश्चन, ये दो नंबर के आ सकते थे। तो बड़ा अमाउंट, बड़ा सवाल करने से पहले आपको थोड़े छोटे केस के पॉइंट भी समझ में आने चाहिए। जब छोटे पॉइंट समझ में आ जाएंगे तो आप बड़े सवाल भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने केस नंबर वन, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है हमारा, सब्सक्रिप्शन से रखा है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 10,000, कितना 10,000, और 10,000 सब्सक्रिप्शन दे रखा है, इसके साथ दे रखी है एडजस्टमेंट, जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ये करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन दे रखी है, कितनी है हमारी वो 5,000, प्रीवियस ईयर की दे रखी सब्सक्रिप्शन कितनी 8,000। अब हमें इसका क्या करना है, सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट करना है। यदि हमें रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में दे रखा है तो हम क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट बनाने के लिए आपको शो करना होगा कैसे ट्रांजैक्शन शो किए जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट यानी कि बाय सब्सक्रिप्शन कितना रखा था हमें 10,000, कितना 10,000। तो ये आपका किसमें आ गया, इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट में बाय के नाम से सब्सक्रिप्शन 10,000। अब क्वेश्चन ये है कि जो करंट ईयर है 5,000 का सब्सक्रिप्शन, तो ये किसमें आ गया बेटा, ये प्लस यानी कि आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्लस होगा करंट ईयर का, वो इसमें ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 और 5 15,000, ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन। इसके बाद हमारा प्रीवियस ईयर का, या जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन माइनस होता है करंट ईयर में, तो माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना दे रखा 8,000। ये 8,000 आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, यदि ब्रैकेट में लिख लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा ये ट्रांजैक्शन हमारा माइनस का है या ये ट्रांजैक्शन हमारा प्लस का है। तो ब्रैकेट में कर दिया तो कितना हो गया आपका टोटल 10 और 5 15,000। 15 में से आप 8 लेस कर दो, कितना हो जाएगा आपका 7,000। ये था आपका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद आप क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कितने टाइप की होती है, ओपनिंग बैलेंस शीट होती है और सेकंड होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी कि इस साल की, तो इसमें आप क्या दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था हमारा 8,000, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का था, प्रीवियस ईयर का था जो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में इस बार दिखा रहा है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में 8,000, यानी कि प्रीवियस ईयर का था। एक है आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन सा पॉइंट दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। तो करंट ईयर वाला कितना पॉइंट था, सब्सक्रिप्शन था 5,000। तो ये दोनों बैलेंस शीट में आपने दिखा दिया, इसका एडजस्टमेंट आपने ट्रीटमेंट कर दिया, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी कि इस साल, ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि प्रीवियस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 आपका दिखा लिया है प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का आपने दिखा दिया क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो एक छोटा सा केस स्टडी आपके सामने आया है, केस यस। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या है, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शन दे रखा हमें 10,000, सब्सक्रिप्शन 10,000 है। यहाँ पे हमें दे रखी है बेटा एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट दे रखी है हमारी, माना कि 1/1/2019 और करंट ईयर यानी कि 31/12/2019। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 1,000 और यहाँ है हमारा 3,000 और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन दे रखा है, यानी कि सब प्रीपेड का मतलब एडवांस में कितना दे रखा 500 और यहाँ है हमारा करंट ईयर में 1,200। अब हमें क्या बनाना है, ट्रीटमेंट करना है इसका इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट में। कैसे करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन आपके सामने दे रखा है 10,000, जो भी आपके सामने है 10,000 आपका है सब्सक्रिप्शंस। इसमें हम क्या करेंगे, अब जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, पहले आपको मैंने बताया था कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो क्या होगा हमारा प्लस, कितना था बेटा हमारा 3,000, कितना 3,000 यानी कि करंट ईयर का, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 3,000 इसमें प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का मतलब जो पिछले साल का हमारे पास आया है इस साल, ये कहा जाएगा हमारा माइनस में, कितना दे रखा हमारा 1,000 यानी कि ये आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है सब्सक्रिप्शन 1,000, ये आपके सामने है, ये कौन सा था हमारा प्रीवियस ईयर का, ओके 5,000 हो गया हमारा। ये हमारा किसने क्या मतलब, पीवाई का मतलब प्रीवियस ईयर, सीवाई का मतलब करंट ईयर, और एनवाई होगा तो होगा नेक्स्ट ईयर। तो ये 10,000 सब्सक्रिप्शन आपका ये आया, आपने करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इसमें क्या कर दिया 3,000 ये प्लस कर दिया। अब हमें क्या करना है, माइनस, माइनस क्या है हमारा, माइनस करके प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा इसके अंदर, देखिए प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा हमारा 1,000। यदि हमारा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है तो क्या होगा हमारा माइनस, माइनस के लिए आप निशान लगा सकते हैं, ब्रैकेट में कर सकते हैं, यानी ब्रैकेट वाला हम लेके चलते हैं, ये हमारा क्या है माइनस, क्लियर। और जरूरी आप ब्रैकेट लगाए ना लगाए, लेकिन आपने वहां पे शो कर दिया माइनस का पॉइंट या प्लस का चिन्ह लगा दिया तो आपको नोटिस में आ जाएगा, क्लियर। ये कितना हो गया आपका 1,000 क्या होगा हमारा, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। फिर है हमारा प्रीवियस ईयर का प्रीपेड, इसमें हम देखिए प्रीवियस का प्रीपेड कौन सा हमारा, प्रीवियस ईयर है प्रीपेड कितना हमारा 500। अगर प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है वो हम किसमें दिखाएंगे आपको, प्लस में, यानी कि ये भी हमारा प्लस होगा, प्रीवियस ईयर
आउटस्टैंडिंग है तो माइनस होगा और प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है तो क्या होगा प्लस होगा। क्लियर बेटा 500 ये आपके सामने आया है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा करंट ईयर। करंट ईयर का प्रीपेड कितना था हमारा, करंट ईयर रहेगा हमारा, करंट ईयर का कितना प्रीपेड दे रखा है आपके सामने 1200, तो 1200 आपके सामने ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कौन सा है, माइनस प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो ध्यान रखना प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो माइनस होगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो प्लस होगा, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है तो प्लस होगा और करंट ईयर का प्रीपेड है तो माइनस होगा। तो पॉइंट आपके सामने सामने है 10,000 में आपने 3,000 प्लस किए कितना हो गया 13,000 में आपने 500 और प्लस कर दिया कितना हो गया 13,500। ये प्लस के थे, माइनस में 1,000 और 1,200, तो 1,200 कितना हो गया 2,200। तो आप क्या करेंगे 13,500 में से 2,200 लेस करेंगे तो कितना आएगा आपके सामने 11,300। इस तरीके से आपको इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट में शो करना है। क्लियर, आपने इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट बना लिया, इसके बाद आपको शो करना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट जैसा कि आपको बताया ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या शो करते हैं, जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो कौन सा था आपका 1,000, ये वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला, उसे आप शो करेंगे यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में। और एडवांस वाला कौन शो करेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन सा करेंगे आप 500 का, यानी कि आउटस्टैंडिंग तो उधर चला जाएगा और प्रीपेड का भी पॉइंट आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। आगे आपका आता है करंट ईयर का, जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे आप करंट ईयर का बैलेंस कितना आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से आ गए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 जो कि आपके सामने है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 करंट ईयर का, और उसके बाद करंट ईयर का 1,200 ये आपके सामने, ये किसके नाम से आएगा आपका एडवांस के नाम से, जैसा आप जानते हैं प्रीपेड यानी कि एडवांस, आउटस्टैंडिंग यानी कि प्रीवियस ईयर। तो ये आपके सामने था, इस तरीके से आप इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट में अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपनी बैलेंस शीट में ये दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको नेक्स्ट ईयर करंट ईयर प्रीवियस ईयर का ध्यान रखना है, कौन से पॉइंट हमारे प्लस में आएंगे कौन से माइनस में आएंगे, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सब्सक्रिप्शन दे रखा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है हमारी, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग प्लस होगी सब्सक्रिप्शन में, और यदि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगी माइनस, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है तो प्लस और करंट ईयर का प्रीपेड है तो माइनस। ये आपके सामने है, यस बच्चों हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस 3 ये वो वाला केस नहीं है, ये हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन का उसका केस नंबर 3। दो नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं। केस नंबर 3 में क्या है, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है प्रीवियस ईयर, माने 2019 प्रीवियस ईयर जो जा चुका है 2000, करंट ईयर का है 25,000 और नेक्स्ट ईयर यानी 2021 जो आएगा कितना है 3,000। ओके बेटा, तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन जो है जो हमें दिया गया है प्रीवियस ईयर का 2,000, करंट ईयर का 25,000, नेक्स्ट ईयर यानी कि जो एडवांस में दे दिया 3,000, यानी टोटल कितना हो गया हमारा 25,000 + 3,000 = 30,000 का हमारा ये सब्सक्रिप्शन है। ओके टोटल इसमें एडजस्टमेंट दे रखी है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर करंट ईयर, करंट ईयर यानी कि इस साल का 2020 का कितना है 8,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का जो था हमारा सब्सक्रिप्शन वो था 2,500। तो ये आपका एडजस्टमेंट दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग हमें सवाल कंप्लीट करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो इसमें आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमें सब्सक्रिप्शन दे रखी, कितनी दे रखी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की, हम उठा रहे 25,000 करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिया है कितनी 25,000, इसमें प्लस करेंगे कौन सा करेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कौन सा वाला करंट ईयर वाला। अब आप एडजस्टमेंट देख रहे हैं, इसके अंदर हमारा करंट ईयर कौन सा दे रखा है ये 8,000,
तो 8000 हमने इसके अंदर क्या करा, प्लस कर दिया, क्योंकि हमारा ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। तो कितना हो गया ये 25 प्लस 8000 कितना हो गया आपका 33000। क्लियर, ये है आपका इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में आपकी ट्रीटमेंट कैसे आपको ये शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे आप, बैलेंस शीट में शो करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप कौन सा ट्रांजैक्शन लेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हमारा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था हमारा 2500 रुपए, ये वाला कौन सा प्रीवियस ईयर का 2500, ये हम लेके आएंगे ओनली ओपनिंग अकाउंट बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से 2500 रुपए, ये ध्यान रखिएगा ये हमारा है प्रीवियस ईयर का। इसका प्रीवियस ईयर का, ओके बेटा, ये है हमारा 25,000 ओपनिंग बैलेंस शीट, ये आपको शो करना होगा। केवल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उठाते हैं यहां पे हमको यहां लेके आना, ये वाला जो आपका यश बैठा दे रखा है ओपनिंग में। अब हम बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी कि इस साल के लिए जो है, इस साल के लिए जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसमें आप कैसे शो करेंगे, इसमें आप दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा वाला, करंट ईयर का, कितना था हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, ये रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्रिप्शन दे रखा, केवल ये उठा के लेके आएंगे हम 8000, ओके 8000 को आपको क्लोजिंग में लिया है, प्लस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना था हमारा 500। अभी 500 कहां से आया आपका, यहां आप ये देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का जो हमारा सब्सक्रिप्शन था कितना 2000 और हमें कितना मिला है इसके अंदर 2500, ये देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन 2500 रुपए यानी 2500। इस 2500 में से 2000 हमने क्या कर दिया, लेस कर दिए, तो ये हमारा कितना आया 500। ये बात ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर यानी कि था, ये हमारी एडजस्टमेंट दे रखा है 2000 का था, हमें कितना मिला एडजस्ट मिला 2500 का, तो कितना रह गया आपका प्रीवियस ईयर, कितना रह गया 500। तो ये कहां से निकला 500, फिर रिपीट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का हमारा सब्सक्रिप्शन था 2000 और एडजस्टमेंट में दे रखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर था कितना 2500 का, तो 2500 में से हमारे ये 2000 रुपए हमारे क्या हो गए, लेस हो गए, तो हमारा ये आ गया 500। क्लियर, ये ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन, ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आगे क्या हमारा एडवांस, अब एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन सा था हमारा, केवल 3000, कौन सा 3000, ये 3000 कहां से आया हमारा बताइए, 3000 जो हमारा नेक्स्ट ईयर का था, नेक्स्ट ईयर यानी कि इस साल, इस साल हमें नेक्स्ट ईयर 2021 का सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप के अकॉर्डिंग जो हमें योगदान है वो हमें इस साल ही मिल गया एडवांस में, तो ये हुआ आपका 3000। ठीक, कहां दिखाएंगे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो कि आपके सामने, ठीक है बस, तो ध्यान रखिएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसे किस दिखाना आपको 500 और एडवांस में केवल सब्सक्रिप्शन लेके जाना ओनली 3000 का जो कि आपके सामने है। क्लियर, जहाँ तक मैं उम्मीद समझता हूँ आपको ये पॉइंट थोड़े समझ में आए होंगे, बाकी आप अच्छे से समझ रहे हैं और भी टीचर आपको लेक्चर दे रहे हैं समझा रहे हैं, तो प्लीज़ आप घर बैठे बैठे टीचर की हेल्प। चलिए बच्चों मैम एक सवाल डिस्कस करते हैं आपके सामने, सवाल ये है आपके सामने, कैलकुलेट करना है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए यशोदा हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो 2019 का हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहां दे रखा है आपके सामने सवाल कि बैलेंस ऑफ मेडिसिन एज ऑन 1 अप्रैल 2018 में कितना था 30,000, बैलेंस ऑफ मेडिसिन एज ऑन 31 मार्च 2019 कितना था 25,000, क्रेडिटर जो हमें लेना था, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है लेनदार और डेप्टर देनदार, ये बात ध्यान रखिएगा क्रेडिटर लेनदार डेप्टर देनदार, डेप्टर क्या हमारी एसेट्स में है और क्रेडिटर हमारी क्या है लायबिलिटीज, तो क्रेडिटर फॉर मेडिसिन एज ऑन 1 अप्रैल 2018 में कितना था 50,000, क्रेडिटर जो थे हमारे मेडिसिन के 31 मार्च 2019 में कितने थे 55,000। अब हमें शोभा करना है कि पेमेंट मेड, पेमेंट
मेड फॉर मेडिसिन क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। हमें 2019 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या बनाना है, क्रेडिट फॉर मेडिसिन अकाउंट, ये हमें दे रखा है। ईश्वर हॉस्पिटल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके अकॉर्डिंग हमें क्रेडिट फॉर मेडिसिन अकाउंट शो करना है। तो आप ये देख रहे हैं पर्टिकुलर अमाउंट टू बैंक अकाउंट। आप यहाँ पर टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट भी कर सकते हैं। कितना था हमारा 3 लाख, कितना जब हमने अकाउंट बंद किया 2019 का, तो हमारे जो क्रेडिटर्स थे कितने थे, 3 लाख के। तो 3 लाख आपके सामने ही आए। ओके, अब आ गया है हमारा टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना था हमारा 55,000, ये क्रेडिट फॉर मेडिसिन एज ऑन 31 मार्च 2019 का, कितना 55,000। जब हम क्लोजिंग कर रहे हैं कितना था बेटा 2019 का 55,000, और लास्ट में हमारा कितना था जब ने स्टेटमेंट बनाने का जब 3 लाख का था, तो 3 लाख में 55,000 क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। तो टोटल अमाउंट कितना है हमारा 3,55,000। अब हम चलते हैं इस तरफ, इधर क्या है हमारा, देखिएगा पार्टिकुलर अमाउंट में कि बाय बैलेंस सीडी हमारा कितना था, बाय बैलेंस सीडी था हमारा 55,000। ये था क्रेडिट फॉर मेडिसिन एज ऑन 1 अप्रैल 2018 का, ये 2018 ध्यान रखिएगा, 50,000 हमारा ये आया। बाय स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन में निकालना है, तो यानी 3,55,000 में आपने ये पूरा ऐड कर दिया कि टोटल हमारा जो क्रेडिटर्स था कितना था 3,55,000। इसके बाद बैलेंस बीडी में कितना है 50,000, तो आप 3,55,000 में आप 50,000 लेस कर देंगे, कितना बचेगा आपका 3,05,000। तो इस तरीके से आपका बनेगा क्रेडिट फॉर मेडिसिन अकाउंट। यस बच्चों, अभी हमने बनाया था क्रेडिट फॉर मेडिसिन अकाउंट, अब हम बनाएंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, कितना हमारे स्टॉक में मेडिसिन है। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट आप जानते ही, तो टू बैलेंस बीडी कितना बेटा हमारा 30,000, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो हमारा बैलेंस था कितना था 30,000, और जो हमारा अभी जो क्रेडिट फॉर मेडिसिन निकला अभी हमारा जो हमने भी अकाउंट बनाया था क्रेडिट फॉर मेडिसिन अकाउंट, उसका अमाउंट हमारा निकला था 3,05,000। तो 3,05,000 तो ये जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, और 30,000 जो हमारा प्रीवियस ईयर का था, टोटल कितना हो गया आपका 3,35,000। इसके बाद हम इधर आते हैं, इसमें आपका है बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, निकालना है हमें। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बाय बैलेंस शीट हमारा कितना रह गया था, कितना था हमारा 25,000, यानी करंट ईयर का कितना 25,000। तो ये 25,000 जो है इसमें से आप 3 लाख जो हमारी मेडिसिन की टोटल 3,35,000 में से आप 25,000 लेस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर 3,10,000, क्लियर, जो कि हमें निकालना था, क्लियर बेटा। तो आपने देखा क्रेडिटर्स अकाउंट और स्टॉक मेडिसिन में कि मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना था हमारा 3,05,000, ये हमारा आंसर आया। अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आया 3,10,000, ये आपका आंसर था। तो आज आपने कुछ सीखा होगा, ये टॉपिक आपने पढ़ा भी होगा, जिन्होंने पढ़ रखा उनके लिए अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका तैयार हो जाएगा लेक्चर, और जिन्होंने जिनकी तैयारी है या जिन्होंने इस टॉपिक ये आता है तो उनका रिवीजन हो जाएगा। तो ये छोटी सी कोशिश आपके साथ, आप ऐसे ही मेरा चैनल, मेरा नहीं आपका चैनल AVS कॉमर्स, क्योंकि आप हैं तो मैं भी हूँ और मैं हूँ तो YouTube चैनल है, तो आपका ऐसे ही प्यार देते रहिए मुझे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे इंक्रीज करते रहिए। ये जो मैंने आज आपको केस 1, 2, 3 जो सवाल कराए हैं, हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये CBSE कह रही है कि 2-2 नंबर में आ सकते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के माइंड में आ जाएंगी, तो आप एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, इसके बेस पे आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है
आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे ही देखते रहिए आपका अपना चैनल AVS कॉमर्स। आपका हमेशा स्वागत।